देखिए चल पड़े अब तैयारी में सब। महाराज महाराज, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यानी कि वो ये देखिए दोस्तों, ये एक रिवाज है कल्चर तो महादेव का मंदिर। अब यहाँ पे हाथ पैर छालने पड़ेंगे पार जो उधार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मेले में आए हैं, शिलागुण देवटी नामक गांव है और हमें कल ठिल्लू लगाया गया था यहाँ पे बगैन नामक गांव पे, और हम आ चुके अब सुबह का टाइम, फ्रेश हो गए नहा धो के। तो हम जिनके घर में हम गेस्ट है, मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ। उनका नाम लालू जी है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो 10-15 साल पहले हमारे सीबी फार्म में सेब लगाते थे, हमारे वो ग्रोवर रह चुके हैं बहुत बड़े। कौन से ये है हमारे लालू जी? और लालू जी क्या हाल है आपके? थैंक यू जो आपने हमारी इज्जत की इतना, इन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से खाना, बहुत बड़ा टेस्टी खाना था, बहुत अच्छे से इन्होंने इज्जत की, उसके लिए तहे दिल से इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों। क्योंकि मेहमान नवाजी ही सबसे बड़ी धर्म होता है हमारे हिंदुस्तान में, अतिथि देवो भव, तो उनका पालन इन्होंने बहुत अच्छे से किया। हम खुश है, हम यहाँ पे चार लोग थे, दो इनके भाई के घर, दो हम इनके घर थे, तो हैट्स ऑफ टू देम। इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, नाइस फैमिली है, बहुत प्यार से इन्होंने हमारे को रखा, हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहीं और आए हुए, हमें ऐसा लगा कि ये हमारा अपना घर है, इसको जगाना पड़ता है। ये दोस्तों एक रिवाज होता है, एक थॉट होता है, एक गेम के रिलेटेड, देवी देवता, मैंने बताया ना आपको कि देवी देवताओं से रिलेटेड होती है हमारी ये गेम। तो चलो भगवान के ऊपर है, जैसे कल साफ रखा, देखो कितना अच्छा मौसम था, हम सारे चार खूंद आए, इज्जत से नाच गाते हुए आए और सब इज्जत से यहाँ पे ठिल्लू लगे, यानी कि गेस्ट लगे, और चारों खूंद इसी एरिया में है। और आज हम उस एरिया में जाएंगे उधर के साइड में, वहाँ कौन सा गांव है? वो है जी खार। खार और गनाल, देवटी, हाँ, उल्ली, चरेल। अच्छा, तो आज हम वहाँ लगेंगे दोस्तों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, व्यू देखिए, अभी बारिश रुकी है, सुबह से बारिश लगी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, सामने मेरा एरिया सारा, ये पूरी बेल्ट हमारी है, परे सामने दिख रही है, इधर मदोगड़ा है, वहाँ कड़ैल है, उसके पीछे हमारा खतरोटा है और वो घुंडा है। और ये देखिए दोस्तों व्यू देखिए, अल्टीमेट व्यू। देखिए दोस्तों, ये लालू जी का घर है और अब रुखाना तैयार हो चुका है। टाइम 10:30-11 बज रहा है आई थिंक, और ये हमारी पार्टी आ गई है। यहाँ इस गांव में थे हम सारे ऊपर, ये बिल्कुल हम सब यहीं थे। ये देखिए सब आ रहे हैं, हेलो, और ये देखिए चल पड़े अब तैयारी में सब। महाराज महाराज, कैसी रही है डियो? कहाँ से जा? कोई गाड़ी में जा रहे है, कोई पैदल जा रहे है। चलो जी, और भाई क्या हाल है? और क्या हाल है जी? और भाई जी बढ़िया। अरे जाई बोले बेचने कनाल से और भाई कहाँ है गाड़ी? गाड़ी तो गैस आ गई, पता नहीं है जगह। नवी गाड़ी ली थी ना बिट्टी भाई, बंटू भाई ने, तो आप चले बंटू भाई के साथ। क्या बात है, शक्ति है यहाँ की मानी जाती है, तो हम यहाँ पे नमन करने आए हैं। जय हो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो ये देखिए हम पैसे चढ़ा रहे हैं, दोष नहीं खुले जका। देखिए दोस्तों व्यू ऑसम मैन, ये देखिए दोस्तों क्या आपकी चढ़ लगा गाँव में। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि कौन सा प्लेयर किसके साथ खेलेगा।
गेम खेलने तक गेम अच्छी गए, ये एक शुभ होता है, शुभ शगुन। दोस्तों जो भी कोई आ रहा है सबसे पहले मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, यहाँ हमारे पहाड़ों में सबसे पहले देवी देवता, उसके बाद सब कुछ होता है। सभी लोगों को आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हमारे पार्टी के, सबसे पहले आशीर्वाद उसके बाद फिर सबका आ चुके हैं आशीर्वाद। अब पोशाक पहनेंगे अपनी में आएंगे। दोस्तों चौथी पार्टी छिपर, इनके साथ हमारी गेम हुई। दोस्तों ये देखिए चाउमीन टिक्की वगैरह सब चला हुआ है, ये टेंट कोड़े। गोलगप्पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं, और ये मनियारी की दुकानें। ये देखिए दोस्तों सबसे टॉप में आया हूँ, कितना ऑसम व्यू है मैन। ये देखिए सीनरी देखिए सामने, ये है हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी। फ्रेंड्स अब छिब्बर पार्टी आ चुकी है, अब वो क्रैल के साथ खेलेंगे, ये एक घंटे का टाइम दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी पार्टी आ चुकी है, क्रैल पार्टी। ये देखिए क्रैल बस छिब्बर गेम लगेगी अब। देखिए Yeah।
लेके हमारे साथ गुड्डू पंडित जी आए हैं। बहुत अच्छा दिन रहा आज मेले का। दोस्तों ये वो है जिनके घर हम कल रात को थे ठहरे, तो ये देखिए अपने रिश्तेदारों को ये 100-100 रुपए दे रहे हैं लड़कियों को। ये एक मेले में जब कोई अपना दिखता है तो उनको एक शगुन के तौर पे देते हैं 100-100 रुपए, ताकि वो मिठाई वगैरह खा सके। ये देखिए इनके घर में थे हम, ये देखिए सबको इन्होंने मेरे सामने अभी 1000-1500 रुपए बांट दिए। ये हमारा कल्चर है दोस्तों, ये रिवाज है, ये प्यार मेला वगैरह होता है तो हमें मिठाई के तौर पे हम पैसे देते हैं, यानी कि वो ये देखिए दोस्तों ये एक रिवाज है, कल्चर है हमारा, संस्कार है। बड़े लोग अपने छोटों को, सिस्टर बहनें भाइयों को, जो भी मिले रिश्तेदार उनको हम पैसे देते हैं, ये हमारा कल्चर है दोस्तों। बड़ों का अपने छोटों के प्रति प्यार। कितनी गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है इस टाइम, 5 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, और गैदरिंग देखिए आप। और सबसे बड़ी बात आज मौसम बहुत साफ रहा, नहीं तो डेली बारिश हो रही थी मानसून में। और ये देखिए फ्रेंड्स क्या गजब का, इतनी अच्छी गैदरिंग और इतना अच्छा दिन बीता आज, पूछो मत। सुबह तो मानो ऐसा लग रहा था कि बस आज तो मेला होगा ही नहीं, आज तो कोई गेम नहीं होगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी सुबह। ये देखिए दोस्तों अब देखते हैं ठीले कहाँ लगते हैं, हम शायद में भी आज हम इस ओर जाएंगे। तो ये देखिए मनियारी की दुकान में सबसे ज़्यादा रश, ये देखो लेडीज बहुत ज़्यादा खरीदारी करती है मेले के दौरान अपने बच्चों के लिए, सगे संबंधियों के लिए। तो यही होता दोस्तों हमारा विलेज मेला, साल में एक बार आता है तो सारे इंजॉय करना चाहते हैं, फिर अपने अपने कामों में सब बिजी हो जाते हैं। यही तो है दोस्तों गांव के मेलों में रौनक। ये देखिए रश देखिए यहाँ, ये झूले का रश है दोस्तों, बड़े क्या छोटे क्या सब, ज़्यादातर तो बच्चे लड़कियाँ यंगस्टर्स। और ये देखिए कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत गैदरिंग है, ये बहुत ही अच्छा मेला रहा, बहुत बड़ा मेला है। और ये देखिए नमकीन नमकून मिल रहा है, और ज़्यादातर तो मनियारी की दुकान में रश बहुत है, मेला पहाड़ी मेला। ये देखिए दोस्तों कितना रश, मेरे से तो खुद भी चला नहीं जा रहा है यहाँ मेले में, इतना रश है। तो लास्ट पहर का गेम फिर से शुरू हो गया, मेरे ख्याल से आधे आधे घंटे की बारी मिलेगी दोनों दलों को, यानी कि 4 खुंदों को 2-2 दलों में डिवाइड है। तो ये देखिए लास्ट पहर का मेला, ये भाभी जी अभी भी पैसे ही बांट रही है, इनके घर में थे फ्रेंड्स हम के, नॉन वेज की दुकान। भाई साहब क्या रेट है मीट का, 150 रुपये प्लेट है मीट है, अच्छा ठीक है एक ही दाम है। ओ हेलो हर जी क्या हाल है, मान गए आप नहीं छोड़ते, ठीक है शाबाश शाबाश। क्या रेट है बर्गर के, सुनो क्या रेट है बर्गर, 50 रुपए का बर्गर। स्टिंग क्या प्राइस है, स्टिंग कितने का, कितने का, 30 रुपए शाबाश। चाय मिलती है, मैं कहा चाय पी लेते हैं, और ठंडा भी है, एक स्टॉल यहाँ भी है और एक स्टॉल इधर भी है। जलेबी अंकल जी क्या रेट है जलेबी का, कितने रुपए किलो जलेबी, 250 रुपए। ये बहुत ही जोश वाली गेम होती है फ्रेंड्स, और माइंड वाली, यानी कि ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि गलती से प्लेयर कमर के ऊपर लगा लेता है जो कि फाउल होता है, और फिर गुस्से में अपना आपा नहीं खोना चाहिए खिलाड़ी को, एक स्पिरिट दिखानी चाहिए, गेम स्पिरिट। आज का खेल खत्म हो चुका है, ये देखिए देखिए दोस्तों बारी बारी से सारी पार्टियां जाती हुई। फ्रेंड्स अब देखिए हम पार जा रहे हैं ठिल थ्रू, यानी कि जहां हम ठिले लगेंगे, यानी गेस्ट। ये देखिए पूरी क्रेल पार्टी जा रही है, एक साथ ही जा रहे हैं हम पैदल, गाड़ियों में नहीं जा रहे इस बार, हम पैदल जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये आ रही है अपनी पार्टी, ये देखिए दोस्तों ये आ गया मंदिर, अब यहाँ पे हम टांबा देंगे, स्वर्ण जी है ना, टांबा देंगे ना। टांबा क्यों दिया जाता है, ये एक रिस्पेक्ट होती है देवी देवताओं के लिए, क्योंकि इनके बगैर कुछ भी नहीं, हम हाँ सही बात बोली आपने, देवी देवताओं के बगैर कुछ नहीं है जी, इन्होंने बनाया ये रूल नियम, हाँ जी हाँ जी। मेरे ख्याल से काफी लोग आज तो जुड़ गए, नहीं बहुत लोग आज
क्योंकि मौसम भी साफ रहा ना आज। तो ये आ गया दोस्तों महादेव का मंदिर। अब यहाँ पे हाथ पैर छालने पड़ेंगे। गणेश्वर महाराज जका, ये आ चुके हैं दोस्तों हमारी पार्टी सारी। जय हो श्री गुरु महादेव, जय हो गणेश्वर महादेव। आप एक है, श्री गुरु है, चाहे गणेश्वर है, चाहे कोटेश्वर है, मेरे लिए तो सब एक है। महादेव तो एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग है फ्रेंड्स। तो मेरे लिए तो महादेव है, मेरे इष्ट है श्री कुलदेव, मेरे इष्ट है कोटेश्वर, मेरे इष्ट है गणेश्वर, नाम एक है। ध्यान करते हो, ये है मंदिर, ब्यूटीफुल मंदिर। दोस्तों अब यहाँ से वितरण हो रहा है, यानी कि ठिलतू लग रहे हैं। ये महादेव का प्रांगण है, गणेश्वर महाराज, देवटी विलेज, देवटी गांव। ये देखिए मंदिर, और ये हमारी कड़ैल पार्टी है, यहाँ आ गई है, और ये हमने टांबा दिया है। और अब यहाँ से हम ठिलतू लगेंगे, यानी कि गेस्ट जाएंगे। कोई 4 जाएगा, कोई 5 जाएगा, कोई 6 जाएगा, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये देखिए दोस्तों सारी जगह ये हो रहा है। चलो चलो जी चलो, ये देखो यहाँ पे गिनती हो रही है। तो उसी हिसाब से ये टीले लगेंगे, यानी गेस्ट लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा रिवाज है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पर जब तक ठिलते, यानी कि जो गेस्ट है, जो छोटा दल के जो खिलाड़ी है, यानी कि जो पूरी पार्टी आती है, जैसे हम 4 खूंद आए हैं, तो जिस घर में हम गेस्ट जाएंगे, तो जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो उनके परिवार के कोई भी खाना नहीं खा सकते हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो। ये यहाँ का एक रूल है, और बहुत बढ़िया रूल है। और कोई शराब पी के बिल्कुल आ भी नहीं सकता है मैदान में, यहाँ पे शराब बिल्कुल वर्जित है। और ये बहुत ही कल्चरल, मेरे को बहुत सही चीज़ लगी। और ये हर जगह ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हर गांव में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जहां जहां छोटा गेम चलती है। दोस्तों ये खेल इतना अद्भुत है कि पूरे इलाके को एकजुटता में लाता है, यानी कि एक एक सारे एक हो जाते हैं। यही तो चीज है, एकता का प्रतीक है ये मेला। चलो चलो, गाड़ी यही रखो, फुल पार लगाओ। ठीक है ठीक है, ये देखो जी रास्ता बड़ा खस्ता है यहाँ पे। तो अब यहाँ से लगेंगे दोस्तों डायरेक्शंस चारों तरफ, कहीं कहीं 20-30, कहीं 10। हालत खराब होगी पैदल चल के। कितना दूर है जी यहाँ से? थोड़ा दूर है पार, तो पार जो उधार है। तो ये हमारी पार्टी है सारी टोटल। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कितना दूर है जी? यही है साथ में। पक्का? चलो चलो जाता है इससे। तो फ्रेंड्स डिनर टाइम हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, और मेरे साथ है देबू भाई, वेरी सीनियर पर्सन। और ये है जिनके घर हम ठहरे हैं, ये है पंडित जी, ये गणेश्वर महादेव के कारदार है। तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी, और मिलते हैं सुबह, ठीक है? तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा खाना है, सलाद है, दाल है, सब्जी है, और हर चीज है, पापड़ है, मशरूम है, एवरीथिंग। बहुत मजा आ गया खा के। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए, जो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो प्लीज। और के मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।